आमिर, वो मुझे ना आज थोड़ा लेट हो गया है, तो आप मुझे स्टॉप तक ड्रॉप कर दोगे? वो क्या है ना, अम्मी ने आज मुझे जितनी जल्दी आने को कहा था ना, उतनी देर हो गई। रहने दे, कोई मसला नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। जोना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सच में? थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू सो मच। मैं सामान पैक कर देती हूँ। श्योर। ओके। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अस्सलामुअलैकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक हो ना तुम? किसी ने रास्ते में रोका तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं? माँ क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? लाइट लाइट तो आ गई है? नहीं, मैं बिल्कुल, हाँ लाइट लाइट तो आ गई है। वो कनेक्शन लगा के वो चला गया लड़का, आ रही है लाइट, देखो जल रही है। क्या हुआ है? तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। अंदर जाओ, मैं देख के आती हूँ। आज मेरा बच्चा जोना। जोनी? जोनी? क्या हुआ? जोनी? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? अबे वो मोहल्ले के सारे लड़कों ने मुझे घेर लिया और ऐसे ऐसे सवाल करने लगे, मैं बता नहीं। और जब मैंने उनका मुंह तोड़ना चाहा तो क्या क्या एक ने मेरी कान की वाली नोच दी, और हमी उनमें से ना एक लड़का वो मीर था और दूसरा वो नजमा फातिमा का बेटा पप्पू भी था। बहुत बुरे बुरे सवाल करने लगे, मैं आपको लफ्जों में बयान भी नहीं कर सकती। अरे बेटा तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं खुद निमट लेती हूँ इनके साथ, अभी जाती हूँ मैं। नहीं मैं जाते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम माँ इनसे बात करना बहुत जरूरी है, ये हमारा घर है, मोहल्ला है, सीधा सीधा हैरेसमेंट का केस बनता है माँ। अरे उन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जिंदगी भर हमारा साथ देने वाले लोग आज हमारे खिलाफ खड़े हैं। अरे उनके पीछे जो ताकत है ना, वही वही तो ये सब कुछ करवा रही है। ये खरीदे हुए कमजोर लोग हैं नाया, उनसे तुम्हारा सबर बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जो कह रही हूँ समझ नहीं हो ना बेटा? जी मैम, समझ गई हूँ, बस उन्हें समझाना बाकी है। बस तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे दोनों, मेरी कसम खाओ, संभालो बहन को। मैं इसके लिए शरबत लेके आती हूँ। तुम लोगों ने बाहर कहीं नहीं जाना बेटा,